नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के तहत जो आमेर राज्य के शासक और मुगल बादशाहों के संबंध के बारे में जिक्र करें, जिसके तहत मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर के शासक बनते हैं और उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह कौन होते, औरंगजेब, उनके संबंधों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जाना किस तरीके से जो बात की जाए मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति कर दी जाती है दक्षिण भारत में शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए। जो ये जो अगर बात की जाए शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति है जो उभर रही थी उसे रोकने के लिए अगर बात की जाए शिवाजी की नियुक्ति की जाती है। इससे पहले शहजादे मुअज्जम और बात की जाए तो जसवंत सिंह की नियुक्ति की जाती है, उनको कोई खास विशेष सफलता नहीं मिल पाती है। उसके पश्चात जो मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा उनसे जो चार्ज ले लिया जाता है, कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात हमने देखा किस तरीके से उनके द्वारा कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास किए जाते हैं शिवाजी को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, जो शिवाजी के शत्रुओं के साथ सांठगांठ की जाती है। लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिल पाती है, उस बात से बातचीत से वो सफल नहीं हो पाते, तब उनके द्वारा सैन्य कार्रवाई करने का निश्चय किया जाता है। सैन्य कार्रवाई के तहत उनके द्वारा हमने देखा किस तरीके से जो पुरंदर के दुर्ग में उनके जो शिवाजी को उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है मुगल शाही सेना के द्वारा। और उसी दौरान जब उनके द्वारा पुरंदर के युद्ध में जो शिवाजी को ये बात जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है कि जो मुगलों के सामने उनकी विजय हो पाना असंभव है, तो उन परिस्थितियों में जब अगर बात की जाए जय सिंह के द्वारा भी जो मिर्जा राजा जय सिंह है वो शिवाजी को विश्वास दिलाते हैं कि उनके प्राण की आत्मसम्मान की पूरी तरीके से रक्षा की जाएगी और उनके हितों का ध्यान मुगल दरबार में रखा जाएगा अगर मुगल अधीनता स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से उनके द्वारा जो सैन्य अभियान के द्वारा घेरा डालते हुए जो क्या कर लिया जाता है, शिवाजी को सरेंडर आत्मसमर्पण करवा दिया जाता है, आत्मसमर्पण में मजबूर कर दिया जाता है। तो उन परिस्थितियों में शिवाजी के द्वारा जो मजबूरन जो किसके साथ संधि की जाती है, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा उनको विश्वास भी दिलवाया जाता है कि आपके पूरे सम्मान की रक्षा की जाएगी, प्राणों की रक्षा। तो उस तरीके से जो मिर्जा राजा जय सिंह की ऊपर विश्वास करके शिवाजी के द्वारा जो संधि का निश्चय कर लिया जाता है। और जब पुरंदर के घेरे के दौरान इन दोनों के मध्य जो संधि होती है, हालांकि प्रतिनिधि कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह है, और ये संधि किसके बीच में होती है, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, यानी कि आप इसे शिवाजी और औरंगजेब के बीच होने वाली संधि भी कह सकते हो और शिवाजी और जय सिंह के बीच होने वाली संधि भी कह सकते हो, ठीक है। अब इनके द्वारा जो मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाती है शिवाजी के द्वारा, तो कौन कौन सी नियम और शर्तें तय की जाती है, कौन कौन से नियम और शर्तें तय की जाती है जो संधि के दौरान शर्तें, उनका आज हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये जो जब पुरंदर के घेरे को घेर, जो पुरंदर का दुर्ग है उसको घेर रखा था शिवाजी ने, और इनको जीत है जो बात की जाए शिवाजी को दुष्कर दिखाई दे रही थी, मुश्किल दिखाई दे रही, तो उन परिस्थितियों में उनके द्वारा जो संधि करने का निर्णय लिया जाता है। कहा जाता है कि शिवाजी को जो जय सिंह ने अपने पास बुलाया बैठाया और उनको पूरा विश्वास दिलाया और उनको दिखाया दुर्ग पर जब अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए कहा, तब उसे देखने के लिए कहा शिवाजी को, तो शिवाजी को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि इतनी जो बड़ी विशाल सेना है जो अगर बात की जाए शाही सेना, उनके सामने मराठे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके द्वारा जो संधि का फैसला लिया जाता है। तो इसके तहत जो शिवाजी क्या करते हैं, जो बात की जाए 11 जून 1665 को जो अपने सलाहकार होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, 6 ब्राह्मणों के साथ जो जहाँ मिर्जा राजा जय सिंह का शिविर लग रखा था सैन्य शिविर, उसमें आते हैं पालकी में बैठकर, और इन दोनों के बीच में जो समझौता तय होता है जिसके तहत क्या क्या शर्तें इनमें बीच में जो तय होती है उनका जिक्र कर रहे हैं। तो इनमें ये तय होता है कि शिवाजी के पास जो 35 दुर्ग है, कितने 35 दुर्ग है, उन दुर्गों में से 23 दुर्ग किसे सौंप दिए जाएंगे, मुगलों को सौंप दिए जाएंगे, ये बात पहले तय होती है। शिवाजी ने इस बात पर अपनी सहमति क्या कर दी जाती है, प्रकट कर दी जाती है। और बाकी बचे जो 12 दुर्ग हो गए, ये जो 35 दुर्ग है इनसे 40 लाख की आय है वार्षिक, कितनी है 40 लाख की, ठीक है, 40 लाख आय है जो वार्षिक बोले, ये इतनी आय वाले दुर्ग किसे सौंप देने होंगे, इनको मुगलों को,
ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी बचे हुए जो 12 होंगे जो बात की जाए किले, वो किसके पास रहेंगे? शिवाजी के पास। एक तो ये तय होता है इनमें जो किलों पे है, जो मुगलों के द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। 23 किले शिवाजी के द्वारा सौंप दिए जाते। अब दूसरा इनके बीच में क्या समझौता होता है, अगर अगला समझौते की बात करें तो तीसरा ये बात इसमें तय होती है कि शिवाजी को छोड़कर, शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने की जो छूट देते हुए, जो संभाजी इनका पुत्र है, किसका? शिवाजी का पुत्र। संभाजी को जो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, और इसके अलावा संभाजी को मुगल दरबार में जो शाही सेना में 5,000 का मंश प्रदान किया जाता है, शिवाजी को उपस्थिति से स्वतंत्र कर दिया जाता है, और संभाजी को मुगल दरबार में जो उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया जाता है, और वहाँ उनका मनसब कितना कर दिया जाता है? 5,000 कर दिया जाता है। ये औरंगजेब की तरफ से जो संधि कर रहे हैं कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। हमने देखा कि जब दक्षिण भारत इनको भेजा जाता है तो इनको स्वतंत्र रूप से जो परिस्थिति अनुरूप जो निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है, इन्हें कई अधिकार दिए जाते हैं, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर, ये औरंगजेब के प्रतिनिधि के तौर पे क्या करते हैं? जो शिवाजी से संधि करते हैं। तो ये बात तय हो जाती है कि जो संभाजी है इनका पुत्र शिवाजी का, वो मुगल सेवा में उपस्थित होगा और उसे मुगल सेवा में 5,000 का मनसब प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अगली शर्त की बात करें तो शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने से मुक्त कर दिया जाता है कि ये शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसमें एक शर्त और जोड़ दी जाती है साथ में, अगर बात की जाए कि अगर ज़रूरत पड़ी या आवश्यकता हुई और बादशाह के द्वारा फरमान जारी किया गया, आदेश दिया गया कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना है, तो उन परिस्थितियों में यहाँ किसको? शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। ये शर्त इसमें जोड़ दी जाती है। अगली शर्त की बात करें तो ये बात तय की जाती है कि शिवाजी को, बात की जाए युद्ध हर जाने के रूप में देख लो आप, ठीक है, और या उसके अलावा जो जिस क्षेत्र पे मुगलों के द्वारा अधिकार करके पुनः जो शिवाजी को सौंप दिया जाता है, उसकी एवज में जो पैसे देने होंगे किसको? शिवाजी को। और ये तय किया जाता है कि 40,00,000 पूर्ण पैसे देने होंगे। किसको देने होंगे? शिवाजी को देने होंगे, मुगलों को। और ये 13 वर्षों में देने होंगे। जो 13 वर्ष है, जो वार्षिक किस्तें बांध दी जाती, प्रत्येक वर्ष से आपको इनमें से पैसे देने होंगे और 13 वर्षों तक निरंतर ये पैसे देने होंगे। इसके बदले में जिस क्षेत्र पे मुगलों ने अधिकार किया था, कोंकण है, बालाघाट है, उन क्षेत्रों को किसे सौंप दिया जाता है? वापिस जो शिवाजी को सौंप दिया जाता है। और उसकी एवज में इतने पैसे किसको देने होंगे? जो शिवाजी को मुगलों को देने होंगे। ये बात इसमें तय की जाती है। मूलतः संधि की यही शर्तें होती है, और जिस संधि की शर्तों के अनुरूप जो किले सौंपने होते हैं, उसके तहत जो पुरंदर का किला है वो भी मुगलों को सौंप जाता है। 12 जून 1665 ईस्वी की बात की जाए तो शिवाजी के द्वारा जो ये किला किसे सौंप दिया जाता है? मुगलों को। और मुगलों का प्रतिनिधि कौन होता है? मिर्जा राजा जयसिंह को ये किला सौंप दिया जाता है। अब ये संधि जो बात की जाए मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो प्रतिनिधि के तौर पे कर ली जाती है, किसके साथ? शिवाजी के साथ। और इस संधि को अनुमोदित करने के लिए, यानी कि जो अंतिम रूप से संधि पे निर्णय कौन लेगा? औरंगजेब लेगा। उसे अनुमोदित करने के लिए जो बादशाह के पास भिजवाई जाती है, और जब मिर्जा राजा जयसिंह के कहने से औरंगजेब के द्वारा जो जयसिंह के, जो शिवाजी के साथ जो संधि की जाती है जयसिंह द्वारा, उस संधि को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और बात की जाए तो यहाँ शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। क्षमा करते हुए संधि की शर्तों को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पे, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने पूरा विश्वास दिलाया था शिवाजी को कि आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा, मुगल दरबार में उचित स्थान आपको दिलाया जाएगा, आपके आत्मसम्मान की और आपके प्राणों की रक्षा की जाएगी, तो इस तरीके से बात की जाए तो उस वक्त इसके कहने से, जो बात के मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं, तो औरंगजेब बादशाह के द्वारा क्या किया जाता है? एक फरमान शाही आदेश जारी किया जाता है जिसके तहत इस संधि को स्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। इसे स्वीकृत करने के साथ ही जो शिवाजी के लिए कई तरह की भेंट भी पहुँचे, खिल्लत यानी क्या होता है? भेंट या उपहार होता है, जो शिवाजी के लिए किसके द्वारा भिजवाया जाता है? जो औरंगजेब के द्वारा भिजवाया जाता है। तो इस तरीके से इनके मध्य ये संधि संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में जिक्र किया जाए तो हमने जो औरंगजेब और उनके प्रतिनिधि जयसिंह
तथा शिवाजी के मध्य होने वाली संधि जो पुरंदर की संधि का उल्लेख किया, जिस तरीके से हमने बात की थी, पुरंदर का घेरा डाला जाता है शिवाजी के द्वारा और शिवाजी को आत्मसमर्पण करवा दिया जाए, सरेंडर करवा दिया जाता है, और मिर्जा राजा जय सिंह के कहने से उनको विश्वास दिलवाया जाता है शिवाजी को। उसके पश्चात शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य जो संधि होती है वही संधि क्या कहलाती है, पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि क्यों कहलाती है, क्योंकि पुरंदर के दुर्ग के पास होती है, पुरंदर के दुर्ग में होती है, क्योंकि पुरंदर के दुर्ग का ही तो घेरा डाला था, महाराष्ट्र में स्थित ये दुर्ग है, तो इसीलिए ये पुरंदर की संधि कहलाती है। ठीक है, इनमें जो बात की जाए, ये संधि के तहत शर्तें तय की जाती है औरंगजेब की तरफ से, तो कौन है बात की जाए तो ये मिर्जा राजा जय सिंह है, और इसके अलावा जो शिवाजी है दूसरे पक्षकार, शिवाजी अपने 6 ब्राह्मण हैं जो सलाहकार, उनके कहने पर संधि को करते हैं, जिसके तहत ये तय कर लिया जाता है कि जो यहाँ जो औरंग शिवाजी के पास जो 35 किले होते हैं उनमें से जो 23 किले किसे सौंप दिए जाते हैं, मुगलों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, और 12 किले शेष किसके पास रह जाते हैं, शिवाजी के पास रह जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो मुगल दरबार में शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान कर दिया जाता है, और अगर बात की जाए उसके अलावा तो शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने से क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, और ज़रूरत होने पे उन्हें मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा 40,00,000 ऊन का जो जुर्माना इन पे लगाया जाता है, जिन्हें इन्हें 13 वर्षों के दौरान जो वार्षिक किस्तों में क्या होगा, जमा करवाना होगा। इसके बदले में कोंकण और बालाघाट का प्रदेश इन्हें सौंप दिया जाता है, और अंततः 12 जून 1665 को जो शिवाजी के द्वारा जो पुरंदर का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया जाता है। इस तरीके से इनके मध्य ये संधि संपन्न होती है और अनुमोदन कर दिया जाता है किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा जो खिल्लत और जो बात की जाए फरमान भिजवा दिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है, और भी किसी तरह के डाउट हो इतिहास विषय से संबंधित वो भी आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।